काम करने वाला डब्बा है ये, जो इसका बटेरी पर काम करती है, मतलब उसको बनाने के लिए। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी, गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग आ चुके हैं कारवार। तो जस्ट ये क्या कहते हैं, मडगांव से पहले का एक स्टेशन है, उसके बाद आएगा सीधा मडगांव। मुझे लगा काफ़ी बड़ा स्टेशन होगा, वो छोटा ही है, लेकिन क्या गजब हील एरिया है। अभी आपको थोड़ा बहुत मैंने वो दिखाया था, इतनी बड़ी टनल थी भाई, लगभग एक मिनट, मतलब मैं एक मिनट लगभग रिकॉर्ड किया था, उससे ज़्यादा पहले से ही चल रहा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, लोग एकदम घूम रहे हैं बढ़िया है। लोग उतर रहे हैं, लोग मुँह धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कुछ नाश्ता वास्ता का क्या सीन होता है। बाकी ये अपना डब्बा है, खाने को तो अभी कुछ भी नहीं आया, लेकिन जूते अच्छी है, अभी पार चल रही है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर। डिपार्चर यहाँ से हो चुका है, अब तो आपको दिखाते हैं भाई नज़ारे, मतलब गोवा जाने के रास्ते के जो नज़ारे हैं उसका बात ही अलग है, वो तोड़ी नहीं। अभी नेक्स्ट स्टॉप हम लोग का मडगांव ही आएगा, लेकिन अभी चार बजे ये देखिए ये काम करने वाला डब्बा है, ये जो इसका बटेरी पर काम करती है, मतलब उसको बनाने के लिए। लोकोमोटिव छोटा है, गाय भैंस आराम मजा ले रही है, इंजॉय करते हुए। पूरा हील एरिया है, ये काफी फास्ट ट्रेन है, मतलब भाई 90 पे भगा रहा था, 90-95। अभी दिखाता हूँ आपको एक बार, ये थोड़ा रेस पकड़े तो चल फिर दिखाते हैं।
टिकट देंगे ना भाई साहब, कावड़ तोड़ चला। यहाँ पे पासिंग था मेरे हिसाब से, इसलिए रुका था। लेकिन इसके तीन ही स्टॉप हैं यहाँ से वहाँ तक। लेकिन कई बार रुक चुकी है, मालगाड़ी भी दिखाया था वो, उसका पासिंग होगा। छोटा सा कोई स्टेशन है, गाँव पहुंच गए भाई साहब। चलो चला जाए, पहुंच चुके हैं हम भैया मडगांव। भैया हम सब लैंड हो गए हैं मडगांव। आप देखते हैं यहाँ से क्या करना है। तो आई होप कि आपको भाई यहाँ तक की जर्नी मजा आया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक क्लोज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।